गेंदे के फूल से लेकर सब्जियों तक यहाँ सब कुछ बगैर किसी केमिकल यानी रासायनिक खादों और कीटनाशकों के उगाया जा रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की हैं। यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग से किसानों को फसलों की लागत घटाने और अपनी कमाई बढ़ाने में मदद मिली है। लोगों से खरीद खरीद के जिनके पास जो जो बनियारे हैं जहाँ पे जिन्होंने भैंसे रखी हुई हैं उनसे हम खाद लेके उसमें डाल रहे हैं और हमने केंचुआ अपना तैयार हो गया इतना कि अब हमारी ज़मीन में भी केंचुआ चलना शुरू हो गया है। उससे हमारा फसल अच्छी हो रही है और हमारी फसल अच्छी आ रही है। अब हमने इस बार हमने बहुत सारे और किसान हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, उनको हम तरीका बता रहे हैं वो कैसे तैयार करें और इसका क्या फ़ायदा हो रहा है। हाँ, इसमें ज़्यादा फायदा है खेतीबाड़ी से। उसमें जो मक्की का और गेहूँ वगैरह लगाते हैं उससे सब्जी का ज़्यादा इनपुट, ज़्यादा अच्छा फायदा है। देसी खाद से तैयार करते हैं हम, इधर बॉर्डर इलाके के हैं, इधर और कोई है ही नहीं है, मेहनत तो मजदूरी है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, इसलिए हम सब्जी लगाते हैं, सब्जी में इनपुट अच्छा है। यहाँ के किसान पहले धान मक्की की खेती करते थे लेकिन जैविक खेती में लाभ को देखते हुए किसान अब फूल और सब्जियों की खेती करने लगे हैं। बाजार में बेहतर मांग और अच्छी कीमत मिलने से यहाँ फूल और सब्जियों की खेती रोजगार का अच्छा जरिया साबित हो रही है। बहुत अच्छा जरिया है, हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा जरिया है कि अपने खेत में, अभी आपने भी देखा है कि छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और नौजवान बच्चे अभी इस वक्त भी खेत में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं और अपनी रोजी रोटी अच्छे ढंग से चला रहे हैं। कृषि विभाग जैविक खेती के लिए किसानों को सभी तरह की मदद देने का दावा कर रहा है। अधिकारी की माने तो जैविक खेती में अच्छा लाभ पाने के लिए किसानों को फसलों में विविधता लानी चाहिए। इंटेंसिव कल्टीवेशन करनी चाहिए, जिसमें अगर किसी के पास 10 कनाल जमीन है तो वो 4 कनाल मक्की लगाए, 2 कनाल वेजिटेबल लगाए, 2 कनाल सब्जी लगाए, 2 कनाल ऑयल सीड तेल, क्योंकि घर का ही सारा वो हो जाए। रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल खाने पीने की चीजों को दूषित बना रहा है। इससे जैविक उत्पादों की मांग में लगातार तेजी आ रही है, जो जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को राहत देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।